जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पर चर्चा करेंगे। अजोपि सनन वे आत्मा भूतानम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामी अधिष्ठाय संभाव्य में आत्मा मायाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ और मेरी आत्मा अविनाशी है और मैं सभी जीवों का ईश्वर हूँ। फिर भी वह अपनी प्रकृति के अधीन होकर अपनी योग माया से संसार में अवतरित होता हूँ, अर्थात वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से परे है। उनका शरीर नश्वर नहीं है, वे हमेशा अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। फिर भी जब भी संसार में यह धर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता होती है, तब वह अपनी योग माया या दिव्य शक्ति के माध्यम से इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृज्यामि अहम्। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वे कब और क्यों अवतार लेते हैं। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं का अवतार लेता हूँ। अर्थात जब भी संसार में धर्म कमजोर होता है और अधर्म यानी अन्याय पाप बढ़ता है, तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ। इस अवतार का उद्देश्य दोबारा धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना होता है। परितरणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। अर्थात जब जब समाज में असंतुलन होता है, तब तब मैं अवतार लेकर संतुलन करूँगा। जन्मा कमीच में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो व्यक्ति उन्हें सत्यता से जानता है, वह देह को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, बल्कि मेरे पास आता है। अर्थात केवल भगवान के दिव्य स्वरूप को समझने से ही इंसान जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। वीतराग भय क्रोधा मन माया माम उपास्थित है भयो ज्ञान तपस्यपुता मद भवाम आगता। राग भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में स्थित होकर, मेरी शरण में आकर अनेक लोगों ने ज्ञान के तप से शुद्ध होकर मेरी दिव्य अवस्था को प्राप्त किया है। अर्थात जो लोग भगवान के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण से जीवन जीते हैं, वे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर की शरण में जाकर मन को शुद्ध करके और अज्ञान से ऊपर उठकर ही हम अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।